You are watching Gatecrackers. For more videos and latest updates, please subscribe our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ड्रिफ्ट करंट देखी, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, एक्चुअली ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी देखी, उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ड्रिफ्ट करंट मिल जाएगी किसी भी सेमीकंडक्टर ब्लॉक में। एक और चीज हमने देखी थी प्रीवियस वीडियो में, दैट इज मोबिलिटी। और मोबिलिटी में हमने एक बात आपको बताई थी कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स। तीन टाइप के जो सेमीकंडक्टर बताए थे, तीनों में हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल की मोबिलिटी से ज्यादा होती है। यही एक रीजन है जिस कारण से हम एन टाइप सेमीकंडक्टर का यूज ज्यादा करते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर, आप चाहो तो जब भी हम सेमीकंडक्टर ब्लॉक की बात करेंगे तो वहां हम एन टाइप सेमीकंडक्टर ज्यादा यूज करते हैं। पी टाइप के कंपैरिजन में किसका यूज करते हैं? एन टाइप का यूज ज्यादा करते हैं। जैसे ट्रांजिस्टर की हम बात करते हैं तो एनपीएन, पीएनपी यूज कम करते हैं हम। यूज ज्यादा क्या करते हैं? एनपीएन, क्योंकि इसमें दो ब्लॉक्स किसके होंगे? एन टाइप के, क्योंकि इसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है तो सेम साइज में ज्यादा करंट फ्लो करती है। यही कारण है कि हम एन टाइप सेमीकंडक्टर का यूज ज्यादा करते हैं। जहां हमें ऑप्शन मिलता है कि एन और पी में से कौन सा करना है तो हम किसको चूज करते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर को चूज करते हैं। चलिए, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कंडक्टिविटी हमने एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में निकाली थी। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमने ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी हमने निकाली थी, एंड दैट वाज ई इनटू म्यू, ई इनटू एनपी म्यू एन ई प्लस ई इनटू पीपी म्यू पी इनटू ई। इसे हमने आपको सॉल्व करके बताया था, डेरिवेशन को डिराइव करके बताया था कैसे वैल्यू आई है। बस ध्यान रखना, ये जो एन के नीचे जो पी लिखा है, दिस इंडिकेट्स फॉर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इस पी के नीचे भी जो पी लिखा है, दिस इंडिकेट्स फॉर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। मोबिलिटी के नीचे जो एन या पी लिखा है, ये बताता है कि किस टाइप के कैरियर की मोबिलिटी है। ये इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये होल की मोबिलिटी, क्योंकि यहाँ क्या है? होल जो है वो कैरियर है। अब आप देखिए, इसी को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं? ई इंटू एन पी म्यू एन प्लस ई इंटू पी पी म्यू पी इंटू ई, बिल्कुल लिख सकते हैं। करेंट डेंसिटी इज इक्वल टू, साथ ही साथ आप लोगों ने करेंट में ओम्स लॉ पढ़ा होगा। ओम्स लॉ फील्ड के लिए, ओम्स लॉ आपने जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ये आपने वी इज इक्वल टू आई आर, एक ओम्स लॉ अलग है, ये वाला भी आपने पढ़ा होगा कि J is equal to sigma into E, where sigma is conductivity of the semiconductor or any material. It may be conductor, semiconductor, any material. E is electric field applied across that material, और J is current density. तो अगर हम इन दोनों equations को compare करें, first और second equation को अगर compare करें, देखिए हम P-type semiconductor में चल रहे हैं अभी, P-type semiconductor की बात कर रहे हैं। तो अगर इसमें हम दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास जो कंडक्टिविटी है वो हमें मिल जाती है सिग्मा इज इक्वल टू, देखिए जे जे ई ई, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी कंडक्टिविटी की, एन पी म्यू एन प्लस ई इंटू पी पी म्यू पी। अब आप देखिए, टेम्परेचर बढ़ाने पे मोबिलिटी पे फर्क पड़ता है, इन पे भी फर्क पड़ता है, कैरियर कंसंट्रेशन की वैल्यू पे भी फर्क पड़ता है। तो नॉर्मल सी बात है कि कंडक्टिविटी पे भी टेम्परेचर बढ़ाने पे फर्क पड़ेगा। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, या हो सकता है इसी वीडियो में लास्ट में देखेंगे कि टेम्परेचर वेरिएशन का कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अभी हम जो देखना चाहते हैं वो ये देखना चाहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर के कारण नहीं देखना चाह रहे, अभी हम क्या देखना चाह रहे हैं कि कैरियर कंसंट्रेशन अगर हम वेरी करते हैं तो कैरियर कंसंट्रेशन के कारण कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए, ओम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन कैरियर कंसंट्रेशन इनटू होल कैरियर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन का, सॉरी मास एक्शन लॉ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मास एक्शन लॉ। इलेक्ट्रॉन कैरियर कंसंट्रेशन इनटू होल कैरियर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, दिस इज मास एक्शन लॉ। सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ
मेजोरिटी कैरियर, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी कैरियर क्या होंगे, होल्स होंगे, तो पीपी की वैल्यू ये आ जाएगी। ऑल्सो डिटरमाइन वैल्यू ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस। अब हम क्या चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, देखिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था अगर आपको याद हो कि ड्रिफ्ट करंट जो निकली थी वो दो कारणों से निकली थी, माइनॉरिटी कैरियर के कारण और मेजोरिटी कैरियर्स के कारण। और हमने बताया था कि मेजोरिटी कैरियर के कारण जो करंट डेंसिटी है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन दैट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर। तो माइनॉरिटी कैरियर के कारण करंट बहुत कम होती है, इट मींस कंडक्टिविटी में भी मेजोरिटी पार्ट कौन कौन ज्यादा इफेक्टिव, किसके कारण कंडक्टिविटी वेरी करेगी, तो हम बोलेंगे मेजोरिटी कैरियर्स के कारण। यानी कि अगर हमें कंडक्टिविटी में वेरिएशन देखना है तो किसके कारण देखना होगा, मेजोरिटी कैरियर्स के कारण देखना होगा। इसका मतलब माइनॉरिटी कैरियर्स को हम यहां से रिप्लेस करेंगे, माइनॉरिटी कैरियर की वैल्यू रखेंगे किसके फॉर्म में, मेजोरिटी कैरियर के फॉर्म में। तो देखिए कंडक्टिविटी इज इक्वल टू आ जाएगा ई इंटू एन पी की जगह रख देंगे एन आई स्क्वायर अपॉन पी पी इंटू म्यू एन प्लस ई इंटू, इसको चेंज नहीं करना है क्योंकि मेजोरिटी कैरियर के कारण हमें देखना है कि कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ने वाला है। अब देखिए अगर हमें पता करना हो मैक्सिमा मिनिमा कि भाई कंडक्टिविटी कब मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके कारण हम वेरिएशन चाहते हैं। तो मेजोरिटी के कारण अगर हम चाहते हैं कंडक्टिविटी में वेरिएशन देखना तो हम क्या करेंगे, कंडक्टिविटी का डिफरेंशिएशन कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, मेजोरिटी कैरियर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ देखिए ये ई कॉन्स्टेंट है, म्यू एन कॉन्स्टेंट है, तो ई और म्यू एन बाहर आ गए, एन आई स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है ये भी बाहर आ जाएगा, वन अपॉन पी पी का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो आ जाएगा माइनस वन अपॉन पी पी स्क्वायर प्लस ई और म्यू पी कॉन्स्टेंट है और पी पी वेरिएबल है इसका, इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब आप देखिए इसी को अगर हम इक्वल टू जीरो रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये चीज हम इधर देख लेते हैं क्या मिल जाएगा, देखिए माइनस ई म्यू एन एन आई स्क्वायर अपॉन पी पी स्क्वायर प्लस ई इंटू म्यू पी दैट इज इक्वल टू जीरो। ई तो चला जाएगा, नेगेटिव पार्ट को एक साइड ले जाइए तो म्यू पी इज इक्वल टू हमारे पास हो गया कितना, हो गया म्यू एन एन आई स्क्वायर अपॉन पी पी स्क्वायर, पी पी स्क्वायर को यहां ले आइए, पी पी स्क्वायर इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर म्यू एन अपॉन म्यू पी, सो पी पी इज इक्वल टू एन आई अंडर रूट म्यू एन अपॉन म्यू पी। मेजोरिटी कैरियर की ये वैल्यू आई है जिस पर की कंडक्टिविटी ऑप्टिमम होने वाली है, इट मे बी मैक्सिमम और मिनिमम, हमें निकालना पड़ेगा कि ये मैक्सिमम है या ये मिनिमम है। और मैक्सिमा मिनिमा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंशिएशन को इक्वल टू जीरो रख देते हैं, उससे हमें पॉइंट पता चल जाता है कि किस पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा है। और ये पता करना हो कि मैक्सिमा है या मिनिमा, ये तो ये पता चला कि इस पॉइंट पर या तो मैक्सिमा है या मिनिमा, अगर ये पता करना है कि अब इस पॉइंट पर जो निकला है वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा, ये तो कंफर्म है कि आइदर मैक्सिमा और मिनिमा। अब क्या होगा उसके लिए हम डबल डिफरेंशिएट कर लेते हैं, और डबल डिफरेंशिएट जब हम इसको करते हैं तो देखिए माइनस साइन, ये तो पूरा कॉन्स्टेंट है ई म्यू एन एन आई स्क्वायर, वन अपॉन पी स्क्वायर मतलब वन अपॉन एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स पावर माइनस टू का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस टू आ जाएगा बाहर, तो ये प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, देखिए वन अपॉन एक्स स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो दैट विल बी इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं एक्स पावर माइनस टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस टू एक्स पावर माइनस टू माइनस वन यानी कि माइनस टू एक्स पावर माइनस थ्री यानी कि वन अपॉन एक्स क्यूब, तो ये टू इधर आया माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया पी पी क्यू। अब आप देखिए ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कैसी निकली आपकी, पॉजिटिव निकली, और डबल डिफरेंशिएशन अगर निकलता है पॉजिटिव तो हम बोलते हैं कि उस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। आप पी पी की यहाँ वैल्यू रख दीजिए तो ये रिजल्ट रहेगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव मिला है मतलब मिनिमा, यानी कि इस मेजोरिटी कैरियर की इस वैल्यू के लिए मेजोरिटी कैरियर कंसंट्रेशन की हमें वैल्यू पता चल गई है जिस पे कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी है, मिनिमम है, मिनिमम कंडक्टिविटी निकली। यहां एक चीज ध्यान देने योग्य है जो आपको ध्यान रखना है, देखिए मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स,
तो देखिए म्यू एन ग्रेटर देन म्यू पी जब है तो ये वैल्यू एक से बड़ी आएगी, मींस मेजोरिटी कैरियर जो है वो एन आई इंट्रेंसिक कैरियर से हमेशा ज्यादा आएंगे। ये जो मेजोरिटी कैरियर है ना पीपी वो एन आई से हमेशा ज्यादा आएगा क्योंकि मेजोरिटी कैरियर शुड बी ग्रेटर देन इंट्रेंसिक कैरियर कंसेंट्रेशन एंड माइनॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन, और माइनॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन जो है वो एन आई से कम होना चाहिए, मेजोरिटी कैरियर एन आई से ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ मेजोरिटी कैरियर ज्यादा आ रहा है, इट मीन्स इसका क्या मतलब है कि इस पॉइंट पर हमने देखा मिनिमा मिला है, यानी कि कंडक्टिविटी क्या होगी मिनिमम होगी। तो हमने क्या चीज सीख ली है, एक ये चीज सीख ली है कि मेजोरिटी पी टाइप सेमीकंडक्टर में जब मेजोरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन की वैल्यू इतनी होती है तो कंडक्टिविटी जो है वो मिनिमम होती है। अब अगर आपसे यहीं से पूछ लिया जाए कि भाई माइनॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे मास एक्शन लॉ लगा दीजिए, np into pp is equal to ni square, तो np is equal to ni square upon pp, वैल्यू रख दीजिए ni square upon ni into under root mu n upon mu p, that will be equal to ni into under root mu p upon mu n। बहुत ही आसान है पता करना, देखिए बिल्कुल आसान है आपका माइनर, ये इंट्रेंसिक कैरियर कंसेंट्रेशन, म्यू पी आपको पता है होल की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी से कम होती है, तो ये पार्ट लेस देन वन हो जाएगा, यानी कि टोटल वैल्यू जो है वो एन आई से कम आएगी। तो माइनॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन एन आई से कम आ रहा है, मेजोरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन एन आई से ज्यादा आ रहा है। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ मेजोरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन एंड माइनॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन फॉर विच कंडक्टिविटी इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज मिनिमम, तो ये आपकी वैल्यूज निकाल आए। अब आपको अगर मिनिमम कंडक्टिविटी निकालना है तो आप इन दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए ये ई एन पी, एन पी की वैल्यू कितनी है, एन आई अंडर रूट म्यू पी अपॉन म्यू एन इंटू दिस म्यू एन प्लस ई इंटू पी पी, पी पी की वैल्यू कितनी है, एन आई अंडर रूट म्यू एन अपॉन म्यू पी इंटू म्यू पी, दैट विल बी इक्वल टू ई इंटू एन आई, ये अंडर रूट म्यू एन से एक अंडर रूट म्यू एन कटेगा तो आ जाएगा अंडर रूट म्यू एन म्यू पी प्लस ई एन आई, ये भी अंडर रूट म्यू पी से एक अंडर रूट कैंसिल होगा तो म्यू एन म्यू पी, दैट इज इक्वल टू टू ई एन आई अंडर रूट म्यू एन म्यू पी। ध्यान रखना है पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये मिनिमम कंडक्टिविटी होती है, ध्यान रखना यहाँ कंडक्टिविटी का वेरिएशन हमने किसके रिस्पेक्ट में देखा है, कंडक्टिविटी का वेरिएशन देखा है विद रिस्पेक्ट टू मेजोरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन, मेजोरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन जब वेरी करते हैं तो ये कंडक्टिविटी यहाँ पे मिलेगी, या आप माइनॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन को भी वेरी करके यहाँ सॉल्व करते तब भी रिजल्ट आपका यही निकलता, उल्टी डायरेक्शन में आपको सॉल्व करना पड़ता तो रिजल्ट पहले ये मिलता फिर क्या मिलता फिर हमें ये मिलता। तो माइनॉरिटी कैरियर और मेजोरिटी कैरियर्स की हमने वैल्यू निकाल ली है जिन पर की कंडक्टिविटी मिनिमम होती है, मिनिमम कंडक्टिविटी निकाल ली। एक चीज और ध्यान रखिए यहाँ पे और वो ये है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, अगर कोई एक सेमीकंडक्टर ब्लॉक है, एक सेमीकंडक्टर ब्लॉक है, आपसे उसका रेजिस्टेंस अगर पूछ लिया जाए तो आप कैसे निकालोगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अगर सेमीकंडक्टर ब्लॉक का निकालना है तो बहुत आसान है, ये रेजिस्टिविटी है एंड रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कंडक्टिविटी, तो कितना हो जाएगा एल अपॉन सिग्मा ए, एल अपॉन सिग्मा ए, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा L अपॉन, L क्या होगी लेंथ ऑफ सेमीकंडक्टर ब्लॉक, A क्या होगा दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया A, तो L अपॉन सिग्मा की वैल्यू कितनी है E np म्यू n प्लस E pp म्यू p, तो ये हमारा किसी भी इंटू A, L अपॉन सिग्मा इंटू A, किसी भी सेमीकंडक्टर ब्लॉक का रेजिस्टेंस हमें मिल गया है। अब आपको पता है कि वो जो हमने वैल्यू निकाली थी पी पी इज इक्वल टू एन आई अंडर रूट म्यू एन अपॉन म्यू पी, या एन पी इज इक्वल टू एन आई अंडर रूट म्यू पी अपॉन म्यू एन, इन वैल्यूज पे कंडक्टिविटी जो होती है वो मिनिमम होती है। तो कंडक्टिविटी अगर मिनिमम होगी, सिग्मा अगर मिनिमम होगी, तो रेजिस्टेंस क्या होगा मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम कंडक्टिविटी की वैल्यू पुट कर दीजिए तो 2 ई एन आई
अंडर रूट म्यू एन म्यू पी और ए जो है वो अलग है। तो ध्यान रखना आपसे किसी भी सेमीकंडक्टर ब्लॉक का मैक्सिमम रेजिस्टेंस भी पूछा जा सकता है या रेजिस्टिविटी भी मैक्सिमम पूछी जा सकती है। देखिए रो इज इक्वल टू 1/σ, तो जब सिग्मा मिनिमम होगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो मैक्सिमम रेजिस्टिविटी भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, यही आ जाएगी 1/2 E n i अंडर रूट म्यू एन म्यू पी। ये मैक्सिमम रेजिस्टिविटी, मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मिनिमम कंडक्टिविटी, इस टाइप से हमें कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान है कैलकुलेट करना, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन क्या क्या आएंगे, क्वेश्चन ये आएंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी मेजोरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन के वेरिएशन के कारण मैक्सिमम मिलती है, ऑप्टिमम कंडक्टिविटी क्या होती है, मैक्सिमम या मिनिमम मिलती है? तो आप बोलोगे मिनिमम मिलती है। अगर मिनिमम मिलती है तो किन वैल्यूज के लिए मिलती है, तो वो वैल्यूज हमने दो कैलकुलेट करके बताई थी, उन वैल्यूज पे मिलती है। कितनी मिलती है वो निकाल दोगे। फिर आपसे पूछेगा कि रेजिस्टिविटी कैसी होती है, तो मैक्सिमम होगी अगर कंडक्टिविटी मिनिमम है। रेजिस्टेंस कैसा होगा, तो मैक्सिमम होगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी निकालने को पूछ सकता है अगर वो सेमीकंडक्टर ब्लॉक की डायमेंशंस आपको दे दे। लेकिन एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में अगर हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, ई इंटू एन एन म्यू एन, एंड इलेक्ट्रॉन है तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस ई इंटू पी एन, ये एन बता रहा है टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, म्यू पी इंटू ई। अब देखिए यहां पे अगर हम मास एक्शन लॉ देखें तो एन एन इज इक्वल टू हो जाएगा एन आई स्क्वायर अपॉन पी एन, या फिर पी एन इज इक्वल टू हो जाएगा एन आई स्क्वायर अपॉन एन एन, क्योंकि हमें पता है एन एन इंटू पी एन इज इक्वल टू क्या होगा, एन आई स्क्वायर, मास एक्शन लॉ। तो माइनॉरिटी कैरियर की वैल्यू हम पुट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या हम कर सकते हैं सॉल्व। प्लस ई इंटू पी एन की जगह रख देंगे हम एन आई स्क्वायर अपॉन एन एन म्यू पी इंटू ई। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं एन एन के रिस्पेक्ट में, तो ये एन एन ये सारे कॉन्स्टेंट है, एन एन का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ई म्यू एन ई ये सारे कॉन्स्टेंट हैं, और 1/nn का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/nn स्क्वायर, तो ई एन आई स्क्वायर म्यू पी ई अपॉन एन एन का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। अब हमने इसे 0 रखा, तो 0 रख के जरा सॉल्व करके देखते हैं हो क्या रहा है। जब 0 रख के सॉल्व करेंगे तो ये ई और ये ई तो हट जाएगा, बचेगा कितना, म्यू एन नेगेटिव पार्ट को उस साइड ले जाते हैं, इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर म्यू पी अपॉन एन एन स्क्वायर। यहां से देखिए आपका एन एन स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा एन आई स्क्वायर म्यू पी अपॉन म्यू एन, जहां से हम अगर देखेंगे तो फाइनली एन एन इज इक्वल टू आ जाएगा एन आई अंडर रूट म्यू पी अपॉन म्यू एन। और आप इसमें देखिए हमें पता है कि म्यू पी इज लेस देन म्यू एन, म्यू पी हमेशा क्या होता है, म्यू एन से लेस देन होता है, मोबिलिटी ऑफ होल्स इज ऑलवेज लेस देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू पी इज लेस देन म्यू एन, मोबिलिटी ऑफ होल इज लेस देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये पार्ट एक से छोटा हो जाएगा, एक से छोटा जब हो जाएगा तो देखिए एन आई में एक से छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो एन आई से कम वैल्यू आएगी, यानी कि ये मेजोरिटी कैरियर जैसा बिहेव ही नहीं करेगा, मतलब वो सेमीकंडक्टर जो है वो एन टाइप ही नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो ध्यान रखना कि जो मिनिमम कंडक्टिविटी की कंडीशन है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए वैलिड ही नहीं है, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में वो कंडक्टिविटी तब होगी मिनिमम जब ये कंडीशन वैलिड होगी, और ये कंडीशन वैलिड तब होगी जब एन एन क्या बन जाएगा, एन आई से कम हो जाएगा। उसी तरीके से जब इसमें आप पी एन निकालोगे तो पी एन आ जाएगा एन आई इंटू अंडर रूट म्यू एन अपॉन म्यू पी। अब आप देखिए म्यू एन ग्रेटर देन म्यू पी होता है तो दिस शुड बी ग्रेटर देन एन आई, यानी कि ये जो माइनॉरिटी कैरियर समझ रहे हो, देखिए एन टाइप में होल क्या होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर, वो इस केस में देखिए मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो एन आई से ज्यादा वैल्यू आ रही है पी एन की, यानी कि ये एक्चुअली क्या बन चुका है, मेजोरिटी कैरियर, ये क्या बन चुका है, माइनॉरिटी। तो हमें ध्यान रखना है एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए ये कंडक्टिविटी की कंडीशन वैलिड नहीं है, ये कंडक्टिविटी की कंडीशन वैलिड केवल किसके लिए है, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। जब लेकिन कॉमन स्टेटमेंट आए तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, आप मान के चलना कि इसका कॉमन स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ रहा है कॉमन कि मिनिमम कंडक्टिविटी निकालिए, तो समझ जाइएगा वो पी टाइप की ही पूछ रहा है। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी का ये कॉन्सेप्ट आपको
याद रखना है। अब कंडक्टिविटी का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हमारे वीडियो आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए इनको, क्योंकि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको वीडियो बनाते जाएंगे। अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो आप जरूर इनको शेयर कीजिए बाकी लोगों के साथ, जिससे उन लोगों के पास भी ये नॉलेज पहुँच सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और एक और चीज़ ध्यान रखना है आपको, पढ़ाई हमेशा प्लेलिस्ट से करना है, क्योंकि रैंडम वीडियोज अगर आप देखोगे तो रैंडम वीडियो ऑर्डर में नहीं रहेंगे, तो आप पुराने लॉजिक नहीं समझ पाओगे। आप हमेशा ऑर्डर में वीडियो देखिए, जिससे कि पुराने लॉजिक आपको पहले से पता हो, जो वीडियो आप देख रहे हो उससे पुराना देख चुके हो आप, उससे जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो देख चुके होगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट की जो लिंक है, सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट की लिंक, वो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे डली रहती है। टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट की लिंक अगर आपको चाहिए तो आप गेट क्रैकर्स यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच।